जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। टेरिटोरियल आर्मी जिसकी भर्ती का आप इंतजार कर रहे थे, इसके अंदर आपके लिए एक और नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से लेकर के 42 साल तक मांगी गई है, और इसके जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको jointerritorialarmy.gov.in इस वाली वेबसाइट को अपने फ़ोन में सर्च करना है। जैसे इसको आप सर्च करोगे तो आपसे कैप्चर कोड मांगा जाएगा। यहाँ पर एक खाली बॉक्स होगा, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन होगा और यहाँ पर ऊपर कैप्चर कोड लिखा होगा ABDG4 ऐसे करके। तो ये जो सेम कैप्चर कोड होता है आपको नीचे वाले बॉक्स में डाल देना है, उसे सबमिट कर देना। जैसे जैसे आप सबमिट करोगे तो इस वाली वेबसाइट पर आप आ जाओगे। इसमें जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन चल रहे हैं 2024 के लिए, यानी कि 2024 वाली भर्ती के लिए आपको इस क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे ना तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाओगे। जैसे कि मैं भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको, इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके अभी आ जाता है क्लिक हेयर। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों सेम है, दोनों सेम नोटिफिकेशन है। कोई किसी भी एक के क्लिक हेयर पर आप क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। फोर फोरम्स ऑफ TA आर्मी हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड साइबर टास्क नोटिफिकेशन साइबर टास्क 2024 के लिए भर्ती होगी, जिसका आपको नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड करना होगा। जैसे इस क्लिक हेयर पर हम क्लिक कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। अब यहां पर हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। अगर हम फॉरम की बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो फॉरम आपके स्टार्टर डेट ऑफ प्रोफेंसी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपको अक्टूबर 2024 में होगा। और इसके जो फॉरम आप यहां पर देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फ्रॉम कम्प्लीट और रिसिप्ट विल एक्सेप्टेड फ्रॉम 15 जुलाई 2024 से 12 सितंबर 2024 शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। और ये यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ फॉर्म भरने का, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पोस्ट द्वारा यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना होगा। ऑफलाइन फॉर्म है आपका, ठीक है। फॉर्म आपको यहाँ पर सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा, ये आपको पूरा फॉर्म हो जाता है सबसे नीचे की तरफ, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी 12 सितंबर रहने वाली है। अगर हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर्स यानी कि ऑफिसर्स की भर्ती होगी। पार्ट टाइम कमिटमेंट यानी कि पार्ट टाइम रहने वाली, फुल टाइम कैरियर नहीं होता पर इसमें टेरिटोरियल आर्मी में आपका। ये आप सभी को पता है एक प्रकार से टेम्परेरी यानी कि टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना होती है जिसमें आपका फुल टाइम कैरियर नहीं होता। आर्मी हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड ASB फोर्स आपका फील्ड साइबर टास्क 2024 डेट ऑफ इंटरव्यू अक्टूबर 2024 के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 12 सितंबर मैंने आपको बताया दिया है। ये नोटिफिकेशन आप jointerritorialarmy.gov.in से डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम फॉरम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी 4 सिविलियन कैंडिडेट यानी कि इसमें कोई पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वैकेंसीज़ में सिर्फ 4 रहने वाली, मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। नेशनलिटी की बात करते हैं तो इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से लेकर के 42 साल होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि फिजिकली फिट होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें ग्रेजुएट यानी कि जो ग्रेजुएट पास है साइबर सिक्योरिटी से या फिर टेक्निकल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से की हुई है तो वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बेटर रहेगा, और भी अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर यहाँ पर देख सकते हो क्या रहने वाला है। फेज फर्स्ट में आपका डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जिन बच्चों को ये एडमिट कार्ड दे इशू करके बुलाते हैं ना बच्चों को, मेरिट लिस्ट के हिसाब से यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन परसेंटेज रहेगी उस हिसाब से बच्चों को बुलाएंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रोफेंसी टेस्ट होगा। उसमें फेज फर्स्ट में प्रोफेंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद सेकेंड में आपका रिटर्न एग्जाम होगा 100 नंबर का। उसके बाद आपका थर्ड फेज़ में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। थर्ड फेज़ में 100 नंबर का प्रैक्टिकल टेस्ट होने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा 300 नंबर का। उसके बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन विद भी यहाँ पर आप देख लेना, आप सारा कुछ दिया हुआ है अप्लाई के बारे में। या आप नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। टेलीग्राम अकाउंट पर जाकर के अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी सर्च करें, वहाँ पर मैं जितनी भी जो भी भर्ती आती है, क्यों क्या होता है कि जो भी भर्ती आती है सभी का मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो आपके काम किया नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके काम ये आ जाती है, उन्होंने ये क्वालिफिकेशन क्यों होती है और वो अपना सपना पूरा कर पाते हैं, तो इसलिए मैं सभी के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। अगर हम इसमें रैंक की और सैलरी की बात करते हैं पे स्केल की, तो लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर के पदों पर ही भर्ती होगी। और साथ इसमें अगर पे स्किल की बात करते हैं तो 2,17,000 रुपये तक आपकी सैलरी हो जाती है इसमें, ठीक है ना। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया और बाकी जो कुछ रह गया आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, ठीक है ना। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या है कि आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।